नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओडिसी टेक्नोलॉजीज में। गाइज, आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि इन तीनों टू के अंदर क्या डिफरेंस है, बिकॉज इन तीनों का प्रोनंसिएशन तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं और अगर सेंटेंस में ये ऑलरेडी कहीं पे यूज़ हो रखे हैं तो इनको हम कैसे पहचानेंगे, और हम अपना सेंटेंस अगर क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले, उसको बनाने से पहले हमें समझना होगा कि हम इसको कैसे सीख सकते हैं, क्या इसका मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इन तीनों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है टू टू टू, तीनों का प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम है। अब मैंने क्या लिखा है, जो फर्स्ट वाला टू है वो क्या है, इट इज़ ए प्रेपोजिशन, वो एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा, एग्जाम्पल जब मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो टू है, टी ओ ओ मीन्स टी डबल ओ, क्या लिखा है मैंने, इट डिनोट्स मोर देन डिज़ायरेबल, यानी कि ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर कोई काम होता है, मोर देन डिज़ायरेबल, ठीक है, जहाँ पे हमने सोचा नहीं होता और वो काम हमारी उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या अलग होता है, कुछ हटके होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इस्तेमाल, टू टी डबल ओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए मैंने आपको दो नीचे वर्ड्स भी लिखे हैं, ऑल्सो प्लस एक्सेसिव, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या तो किसी सेंटेंस में भी का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि उसके पास दो कार हैं तो मेरे पास भी दो कार हैं, उसके पास एक घर है तो मेरे पास भी एक घर है, इस तरह का सेंटेंस, तो वहाँ पे भी हम टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है मैंने, एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब क्या है, जहाँ पे किसी चीज़ की मात्रा का ज़्यादा होना पाया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ चीनी बहुत ज़्यादा है, या फिर बार आई वुड से कि आज खाने में चीज़ बहुत ज़्यादा है, या पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब किसी चीज़ की मात्रा का ज़्यादा होना, कहने का एग्जांपल ये है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो टू है, टी डब्ल्यू ओ, वो क्या है, वो तो एक सिर्फ एक नंबर है, इट जस्ट अ नंबर, लाइक 1 2 3 4 5, तो उसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एग्जाम्पल्स के साथ में, कैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम इनको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले टू से, आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है टू, तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, आई विल टेक अ टैक्सी टू द बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड के लिए टैक्सी लूँगा, ठीक है। तो इसमें टू आया, टू को मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की जैसे इस्तेमाल कर दिया हमने इसको यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्लीज़ चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन इन द हाउस, घर के अंदर रेड कलर को हटा के ग्रीन कलर लगाना है या चेंज करना है रेड को ग्रीन के लिए, तो क्या प्रेपोजिशन आएगा, टू, ठीक है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा है टी डबल ओ यानी कि टू, एग्जाम्पल्स क्या लिखे हैं मैंने, रमेश इज गोइंग टू द सिनेमा, आई विल गो विद हिम टू, रमेश सिनेमा जा रहा है और मैं भी उसके साथ सिनेमा जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, लेट अस गो टू द सिनेमा एंड वी विल ईट टू मच जंक फूड देयर, तो वहाँ पे हम सिनेमा जाएंगे और वहाँ पे हम बहुत सारा जंक फूड खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, आई विल ऑल्सो गो टू द अमेरिका विद माई फ्रेंड्स, मैं भी अपने दोस्तों के साथ अमेरिका जाऊँगा, तो इसको हम टू की शेप में कैसे लिख सकते हैं, आई विल गो टू द अमेरिका विद माई फ्रेंड्स टू। देखिए ऑल्सो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया कि ऑल्सो का मतलब भी टू ही होता है, ऑल्सो या तो हम ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं या फिर हमने टू यूज़ कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टू टी डब्ल्यू ओ, इट जस्ट अ नंबर, तो एग्जाम्पल्स क्या लिखा है मैंने, देयर आर टू बुक्स, यहाँ पे दो किताबें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ टू कार्स, उसके पास दो कार हैं। अब आप देखिए दोस्तों कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस शीट क्रिएट किया है, जहाँ पे आपको तीन सेंटेंस दे रखे हैं,
तीनों के अंदर क्या आंसर आएंगे वो तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सेंटेंस आपको रीड कर देता हूँ। फर्स्ट क्या है, देयर आर डैश मैनी पीपल इन द हॉल। सेकेंड इज योर जोक वॉज डैश फनी। द थर्ड वन इज आई नीड डैश स्टडी फर्स्ट बिफोर आई गो फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो तीनों के आंसर जल्दी से मुझे लिख के भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।